तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसका एक पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप क्रिएटेड पीडीएफ फाइल को ईमेल पे सेंड कर सको या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर सको। और यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मान लेते हैं आपके पास कोई नोटबुक है, बुक है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आप स्कैन करके पीडीएफ बनाना चाहते हो और उसे WhatsApp वगैरह पे सेंड करना चाहते हो या फिर ईमेल पे अटैच करके सेंड करना चाहते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होता है, गूगल ड्राइव। तो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है। तो आपको गूगल ड्राइव ओपन कर लेना है। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिलता है, इस पे टैप करना है। आपको स्कैन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ सेटिंग वगैरह चूज़ कर लोगे, जैसे कि आप किस रेशियो में पिक्चर को स्कैन करके पीडीएफ बनाना चाहते हो, अर्थात किस रेशियो में आपको पिक्चर क्लिक करना है। पिक्चर क्लिक करने के बाद जो भी वाटरमार्क आएगा वो ऑफ़ कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी ऑफ है। पिक्चर की क्वालिटी वगैरह चूज़ कर सकते हो। अब आपको बैक पे टैप करना है। यहाँ पे अब आपको सिंपली पिक्चर क्लिक कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे आप फ़ोटो को क्लिक कर लोगे। अब आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया है। अब आप अपने पेजेस का कलर चूज़ कर लोगे। आप चाहो तो नन रख सकते हो जो कि ओरिजिनल होगा, ब्लैक एंड वाइट रख सकते हो या फिर कलर चूज़ कर सकते हो। वैसे ये मेरा बुक ही ब्लैक एंड वाइट में है। उसके बाद आप चाहो तो पेजेस को रोटेट भी कर सकते हो, क्रॉप करना चाहो अननेसेसरी पोर्शन को तो क्रॉप भी कर सकते हो। इस तरह से डन पे टैप करना है। अब अगर आपको और भी पिक्चर को क्लिक करके अपने पीडीएफ में ऐड करना हुआ तो आप इस प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे और यहाँ से आप और भी पेजेस को ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको पिक्चर क्लिक कर लेना है, इस पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप कलर वगैरह चूज़ कर लोगे। रोटेट करना चाहो तो रोटेट कर सकते हो, क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा पोर्शन जो कि आपको पीडीएफ के पेज में नहीं चाहिए, और सिंपली आपको डन पे टैप कर देना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने दो पेजेस को ऐड कर लिया। अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग पेज को हटाना हुआ तो यहाँ पे आप इस माइनस वाले ऑप्शन पे टैप करके हटा भी सकते हो, अर्थात डिलीट कर सकते हो किसी पेज को। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता, मैं डिलीट नहीं करना चाहता। सारे पिक्चर्स को क्लिक करके एक एक करके ऐड कर लेना है, इस पे टैप करके। अब फाइनली आपको सेव पे टैप कर देना है। आप अपने पीडीएफ का नाम दे सकते हो। नाम देने के बाद यहाँ पे आप गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे, अर्थात अपना जीमेल आईडी जिस पे आप अपने बनाए हुए पीडीएफ को सेव करना चाहते हो, अर्थात जो भी आप पीडीएफ यहाँ पे बना रहे स्कैन करके वो आपके गूगल ड्राइव पे स्टोर होगा। जब भी आप गूगल अकाउंट बनाते हो तो गूगल अकाउंट के साथ आपको गूगल ड्राइव पे 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है, उसी स्टोरेज में ये आपका स्टोर होगा। यहाँ से आप अपने गूगल ड्राइव में इसका लोकेशन चूज़ कर लोगे कि कहाँ पे आपको इसे सेव करना है। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर में इसे सेव करना चाहता हूँ, सेलेक्ट। इस फोल्डर में मेरा सेव होगा, ये सेव कर लेना है आपको। अब यहाँ से आप अपने पीडीएफ को देखने के लिए फाइल में जाओगे। फाइल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर में इसे सेव किया था। न्यू फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से मैंने पीडीएफ को सेव कर रखा है, ये पीडीएफ फाइल है। अब आप इसको ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दो पेजेस का पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ फाइल को अगर आप शेयर करना चाहो तो किसी को शेयर कर सकते हो। अगर आप इसे डाउनलोड करके मोबाइल के स्टोरेज में रखना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब अगर आप अपने इस पीडीएफ को किसी को शेयर करना चाहो तो यहाँ पे आप इसका कॉपी शेयर कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि व्हाट्सअप पे, जीमेल पे अटैच करके सेंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और इस तरह से आप कहीं पे भी पीडीएफ फाइल को बना के सेंड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे आपको पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है, तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।